तो अभी जकड़ी को मंदिर में ले जाया जा रहा है। ये ऊपर आप देख रहे होंगे ये टीन है, तो बहुत गर्म हो रखा है टीन। अब यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर डाल दिया है वहाँ पे। अभी मैं ना सोच रहा था कि वहाँ जाते हैं और हम वीडियो बनाते हैं। पहले एक सिलेंडर फटा तो फिर दूसरा सिलेंडर भी फटा। तो आप सभी को नमस्कार, स्वीच जसवाल यूट्यूब चैनल में। हम सब तैयार हो चुके हैं अभी, और आज मंदिर में द्वादशी का मेला है, बावन द्वादशी का मेला। और बाकी आप यहाँ पे व्यू देख सकते हो। और रांची में एक व्लॉग में मैंने बोल दिया था कि खेतों में गेहूं लगा हुआ है, लेकिन असलियत में लगा हुआ है धान, तो उसको मैं करेक्ट करना चाह रहा था। बहुत लोगों ने कमेंट भी किए थे कि भाई वो गेहूं नहीं है, वो धान है। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? क्या चल रहा है अभी? अभी ये चल रहा है कि तुमको नाश्ता करवाना। एक बार हल्का हल्का जो मेला होने वाला है उसके बारे में बता दो, क्या क्या होगा हल्का हल्का ब्रीफ में। तो ये जो स्थान है ये है भगवान श्री त्रिवेणी नारायण का स्थान, यानी कि नारायण भगवान की यहाँ पे पूजा की जाती है, और भगवान शिव और पार्वती का विवाह स्थल भी यही है। तो जो ये मेले का महत्व है यहाँ पे, ये इसलिए मनाया जाता है यानी कि यहाँ पे श्री कृष्ण के बामन अवतार का जन्म होता है, यानी कि कल रात को जन्म हो चुका है। और आज जो मेला मनाया जाएगा उनके जन्म की खुशी में नगर में महोत्सव मनाया जाता था जैसे पुराने समय में, तो ये महोत्सव है आज के दिन में। तो आज के टाइम पे तो जो महोत्सव होंगे वो मेले का रूप ले लेते हैं, तो ये मेला इसलिए मनाया जाता है त्रिवेणी में। तो अभी अनु भाई के घर पे नाश्ता हुआ है, और ये पीछे आप देख सकते हो पूरा अनु भाई का घर है, और बहुत ही स्वाद जैसा भी हुआ होगा। नहीं, सच में आनंद, और जो आनंद में घी के साथ जो स्वाद है वो इंटू टू हो गया, डबल बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सच में। और भी हमारे साथ यूट्यूबर ऐड हो चुके हैं, ब्लॉगर ऐड हो चुके हैं। ये है हमारी मोनिका सजवान, सजवान ब्लॉग। तो यहाँ पे आलोक भाई भी मिल चुके हैं। हेलो जी, तुम कब आ गए थे? मैं आ गया था तीन चार दिन पहले। तीन चार दिन। सॉरी कि हम अपने मन में सरवेली में आपसे मिल नहीं पाए। कोई नहीं। अंकल आंटी जी का एक कमेंट आया था मेरी वीडियो पे। क्या था? मतलब वो वाली रुद्रनाथ वाली। अच्छा, हाँ, तुम अकेले निकल गए यार, मानना पड़ेगा यार। मैं अकेले निकला, थोड़ा मन अजीब सा हो रहा था ना। हाँ, तो बाकी कैसा रहा पहले तो मन में सरवेली का सफर? अच्छा रहा, बढ़िया रहा, बस ऊपर बूढ़ा मत मेशो नहीं जा पाए। हाँ, उसका थोड़ा रहा गया, दस बारह दिन फंस गए उधर ही। चलो यही होता है पहाड़ों में सच में, पर मजा बहुत आया। बिल्कुल मजा बहुत आया। और एक भाई और है हमारे साथ, अमित भाई, आपका क्या चैनल है? मेरा अमित नेगी ब्लॉग्स नाम से है। अच्छा, और काफी अच्छा लगा। आप यहीं के हो? हाँ भैया, मैं यही कहूँ। ये देखो एक और ब्लॉगर है हमारे साथ उत्तराखंड वाली, जिनका नाम है मोनिका सिलोरी। कैसा रहा फिर सफर? बढ़िया। आपका कैसा रहा इतने दिन? सब मेरा भी बढ़िया रहा, बढ़िया। त्रिवेणी मंदिर में मैं पिछले साल भी आया था, मार्च 2021 में, तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। यहाँ पे आके ऐसी दुकानें लगी हुई थी, लेकिन अभी मेला है तो बाहर की जो मेन सड़क है वहाँ पे भी बहुत दुकानें लगी हुई हैं। तो अभी मंदिर के अंदर के दर्शन करके आ चुके हैं हम, बहुत ही अच्छा लगा। तो बस थोड़ी देर में अभी मेला शुरू होने वाला है, तो हम सोच रहे हैं कहीं वहाँ पे ऊपर एक जगह बना ले और वहीं से ही फिर आपको पूरा का पूरा मेला दिखाएंगे। तो अभी अनु भाई ने हमें एक जगह बता दी है, ये पीछे हमारा मंदिर है और यहाँ से ऊपर ये छत है, क्योंकि अभी बहुत भीड़ होने वाली है। हाँ, बहुत ज़्यादा होगी अभी मंदिर। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी जैसे जकड़ी आएगी और वो जो पेड़ आते हैं ना, हाँ भाई, वो देखने वाला दृश्य होता है। सही बात है, तो इसलिए हमें यहाँ पे टॉप वाली जगह दे दी है, अब जा रहे हैं हम। बिल्कुल, तुम तो ये मंदिर में रहोगे ना? मैं मंदिर में। ठीक है सर, मिलते हैं। ये रास्ता है यहाँ से, देखो ये जा भी रहे हैं, छत में पहुँच चुके हैं। देखो ये पीछे मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, और सब के सब व्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे। पूरा व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से, नीचे का सब। कुछ
अभी यहाँ पे छत पे बैठे हुए हमें करीबन एक घंटा हो चुका है और आज धूप भी इतनी तेज हो रखी है तो पूरा तपने पे लगे हुए हम। लेकिन वही कहते हैं ना कि जितना लोहा तपता है ना आग में उतना ही मजबूत होता है, तो बस हम भी धूप में तपने पे लगे हुए और मजबूत होने में लगे हुए। और ये देखो सारी पलटन यहाँ बैठी हुई है, इंतजार कर रही है। गर्मी लग रही तुम सबको? बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर गर्मी क्या होती है, लेकिन फिर हम डटे रहेंगे और यहीं पे बैठे रहेंगे। सही बात है। ओहो वहाँ दुकान में देखो आग लग गई है, वहाँ मंदिर के बाहर एकदम। शिट, अबे यार किस चीज़ की दुकान होगी वो, किस चीज़ की दुकान होगी वो, फास्ट फूड की है। अबे यार सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, देख रहे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, लेकिन आवाज़ तो नहीं आई सिलेंडर ब्लास्ट होने की। देखो अबे यार ये तो, अबे यार बेचारा पता नहीं, अरे तो भाई साहब बंडे में लगा हुआ है तो। अरे यार ये गलत हो गया, अभी हम यहाँ पे GMN के सामने ही है बिल्कुल, और इसी के सामने हो रखी है दुकान में आग लगा रखी है। पर सिलेंडर ब्लास्ट होने की तो आवाज़ नहीं आई, लेकिन सब यहाँ पे पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, और कहीं और दुकानों में ना लग जाए इसकी वजह से। पता है पानी वानी भी नहीं डाल रहा कोई। अब यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर डाल दिया है वहाँ पे। ओ शिट, अबे यार अब फटा है सिलेंडर, उस समय तक सिर्फ आग लग रखी थी, लोगों की भी लगी होगी क्या। अबे यार ये तो गलत हो गया यार, यार मेरे तो हाथ कांप रहे हैं देख के ही। अभी मैं ना सोच रहा था कि वहाँ जाते हैं और हम वीडियो बनाते हैं, पर अच्छा वो नहीं गया। हे भगवान, वही यहाँ पे बैठ के ही हम करीबन यहाँ 100 मीटर दूर हैं और यहीं से मेरे को इतना अजीब सा लग रहा है, कांप रहा हूँ मैं। और सोचो अगर मैं चले जाता हूँ वहाँ पे, हे भगवान पूरा पूरा ये बहुत गलत हो गया भाई, बहुत ही गलत हो गया है। अब पता नहीं गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी होंगी, यहाँ गाड़ियाँ तो वैसे दिख नहीं थी। हाँ नहीं यहाँ तो मार्केट लगा हुआ पूरा, तो गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पे मंदिर के सामने, क्योंकि गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, मंदिर के पीछे लगा रखी है, तो गाड़ियों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ होगा यहाँ पे। लेकिन यार जिसकी भी दुकान रहेगी पूरी जल चुकी है, पूरी की पूरी। तो जहाँ पे अभी दुकान में आग लगी थी वहाँ पे सिलेंडर फटा था, और पहले एक सिलेंडर फटा जो मैंने फुटेज दिखाई आपको, उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आके यहीं अपने छत पे आ गया था तो फिर दूसरा सिलेंडर भी फटा। हमें पता लगा है कि अभी तक किसी को चोट नहीं लगी है, पर अभी बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे अभी मेला चल रहा है और जकड़ी आ चुकी है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे बहुत देर से। अब आपको दिखाते हैं आगे के दृश्य। तो जो जकड़ी आपको सामने दिख रही है, जो पेड़ उठा रखा है यहाँ लोगों ने बहुत सारे, ये मोरू का पेड़ है, और ये जो पीछे से आ रहा है पेड़ वो ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये खड़सू का पेड़ है। तो अभी जकड़ी को मंदिर में ले जाया जा रहा है, और ये ऊपर आप देख रहे होंगे ये टीन है, तो बहुत गर्म हो रखा है टीन, तो इसलिए देखो वहाँ पे जो पंडित जी हैं उन्होंने तौले रख रखा है जिससे उनके पैरों को गर्मी ना लगे, ज़्यादा तपे ना उनका पैर। तो अभी जो छत है वहाँ से हम सबको वहाँ से निकाल दिया था, क्योंकि वो छत बोल रहे हैं कमज़ोर है, तो इसलिए हम यहाँ खेत पे आ गए थे, और यहीं पे भाई मिले हैं मेरे को। मेरा नाम परवेश खत्री है और मेरे चैनल का नाम परवेश खत्री ब्लॉग्स है, और मैं भाई के ब्लॉग्स बहुत पहले से देखता हूँ और भाई को ही देखता हूँ बस, और किसी ब्लॉगर से मुझे ज़्यादा मतलब रहता है, भाई से मतलब रहता है। और एक आप जहाँ वहाँ जॉब करते थे वो सरदार रहता था, सरदारगंज। थैंक यू भाई, धन्यवाद धन्यवाद। भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना, देखना जरूर एक बार परवेश खत्री ब्लॉग्स प्लीज। अगस्त मुनि से भाई। तो अभी आलोक भाई अपने घर से सेब लाए हैं, उनकी दीदी का घर है यहीं पे त्रिवेणी नारायण में, तो वहाँ से सेब ला रखे हैं, सब लोगों को बांट दिए एक एक सेब। हाँ भाई कितना मीठा है, बहुत स्वाद। तो अभी आप मौसम देख सकते हो पूरे बादल आ चुके हैं, और अभी मुझे किसी ने बताया यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे मेला होता है तो 2 बजे के बाद 100
100% है कि यहाँ बारिश होगी। तो मुझे उस टाइम लग रहा था कितनी धूप आ रही है, कहाँ होगा बारिश, पर अब देखो पूरे बादल आ चुके हैं और अब तो लग रहा है कि बारिश आ जाएगी। और साथ में आपको देखो एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये फायर की गाड़ी आ रही है और जो वहाँ पे अभी ब्लास्ट हुआ था, सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ था, तो उसको बुझाने के लिए आ रही है। अब तो बुझ गई है लेकिन लगातार दो ब्लास्ट हुए वहाँ पे सिलेंडर के, तो लग रहा है कि और दुकानों को भी खतरा हो सकता है, तो इसलिए गाड़ी आ रही है। अभी वहाँ पे खड़े खड़े हमें बहुत भूख लग गई थी, तो इसलिए यहाँ पे हम खाने आ गए थे। और पहले सोचा था कि कुछ फास्ट फूड खाएंगे, कुछ स्नैक्स खाएंगे, लेकिन यहाँ पे छोले पूरी मिल गए, तो यहाँ पे बड़े करके आलू छोले पूरी खा रहे हैं। और लगभग सबने 6-7 पूरी तो खाई ली होगी। कितनी पूरी खा ली हमने पर बंदा? 7-8 है ना। और मैं देखो किसके सामने बैठा हूँ, डर लग रहा है मुझे यहाँ बैठ गए। देवता आ गए क्या? देवता अभी उनके इधर पास लेट हो गई यार। लेट हो गए क्या? देवता आ गए? नहीं नहीं है अभी यहाँ पर होंगे। देवता नीचे है क्या? मिलते हैं फिर जल्दी जल्दी मिलते हैं। अभी भाई को हम यही छोड़ रहे हैं, ठीक है भाई, और हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो तो अभी हम मेले से इससे निकल रहे हैं क्योंकि हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं, और अगर बारिश तेज़ हो गई तो भिगेंगे तो हम हैं ही, लेकिन रास्ते में बहुत कीचड़ हो जाएगा, काफ़ी गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए फटाफट निकल जाते हैं यहाँ से। यहाँ खड़े मत हो, यहाँ क्यों खड़े हो रहे रास्ते में? लोग परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फायर ब्रिगेड आ चुके हैं पीछे, अभी इसने पानी गिराना स्टार्ट तो किया नहीं है, लेकिन हम लोग तो चलते हैं। अब फायर ब्रिगेड वाली बारिश भी हो गई और ऊपर से भी बारिश आ रही है। फटाफट आ जाओ, फटाफट फटाफट, ट्रैफिक लग जाएगा वरना। चलो फिर, चलो। अब हम निकल चुके हैं त्रियोगी नारायण गाँव से। जय हो, जय हो, जय बोले। तो अभी हम त्रिगुनी नारायण से आ गए थे वापस, और गुप्तकाशी में रुके हुए, और यहाँ पे दीपक भाई के जीजा की एक शॉप है, वहाँ पे आ रखे हम। और जीजा जी की दुकान का नाम है देवलोक होटल एंड स्वीट शॉप। कैसे हो आप? बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही खतरनाक चाय बना रखी थी आपने। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेलकम है। बिल्कुल आएंगे, ऐसी चाय बनाना बिल्कुल आपने, जो अदरक वाली और मजा फ्लेवर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वापस रासी गांव में, अब कल निकलेंगे हम लोग कोटद्वार के लिए। अभी भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म इसलिए बोल रहे हैं भैया क्योंकि ये रास्ते में अभी जब हम रासी आ रहे थे तो उखीमठ से जब हम क्रॉस किया, सड़क टूट रही है कहीं पे नई सड़क बन रही है, तो इसलिए रास्ता रोक रखा है, तो समझ में नहीं आ रहा था कहीं पे पुरानी टूट रही है कहीं पे नई बन रही सड़क। तो कल क्या होगा ये पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा भाई। सही बात है। और बाकी जो आज सिलेंडर वाला सीन हुआ था वो बहुत ही दर्दनाक था, मैंने तो पहली बार दिखाया था सामने आपने। मूवी में तो हमने पहली बार देखा। हाँ, तो जब भी वो दिमाग में फोटो आ रही ना उस चीज की, तो ऐसे रोंगटे से खड़े जा रहे हैं एकदम से बूम। सही में। तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो नीचे एक लाल बटन दी सब्सक्राइब का उसे दबा देना,
और मेरे YouTube परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बंडी अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, तो अपने WhatsApp फैमिली ग्रुप में और Facebook में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, नमस्कार, 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 नमस्कार।